हेलो बच्चों, मैं सलमान शर्मा। आज मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। जो हमारे भारत के संविधान है, कब लागू हुआ, किसने किया, इसके बारे में बताऊंगी। तो क्वेश्चन का नाम है भारत का संविधान। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा जो भारत का संविधान है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो हमारा संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें 395 अनुच्छेद है। भारत संविधान कितने समय बनकर तैयार हुआ था? जो हमारे संविधान है उसे बनने में कितना समय लगा था? तो वह संविधान 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं। उसके बाद, भारत में शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो हमारे जो भारत में शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को क्या बनता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता का नेता क्या बनता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान लागू होने पर भारत क्या बन गया था? संविधान लागू होने पर भारत गणतंत्र देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राक्तन प्रियम्बल किसने तैयार किया था? जो हमारा भारतीय संविधान है उसका प्राक्तन प्रियम्बल नेहरू जी ने तैयार किया था। आप उनको घर पर पढ़िए, याद करिए, और नोट करना हो तो उसको नोट करके भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद।